अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू अनदर व्लॉग आई होप आप सब ठीक होंगे हम लोग भी अलहमदिल्ला ठीक हैं और आज जो है अभी मॉर्निंग का टाइम है और कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ uh, मैंने बताया था कि जाव्यार की तबीयत ठीक नहीं है तो ना घर में एक जैसे वायरल सा ही फ़ीवर फैला हुआ है और सबका बुरा हाल हो रहा है नज़ला जुकाम बुखार और गले ब्लॉक हो रहे हैं हालांकि हम ठंडा पानी भी नहीं पी रहे और इवन मैं तो कोई ज़्यादा इतनी ड्रिंक्स भी नहीं बनाती इफ्तार में तो पहले जावियार की तबीयत खराब हुई फिर ईज़ा की तबीयत ख़राब हुई फिर मेरे हस्बैंड की और कल तक मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी इफ्तार में मेरी इस तरह की कंडीशन थी कि मैं इतना डाउन होगी एकदम कि तकरीबन मेरा ख़्याल है कि पाँच बजे से मेरी तबीयत डाउन होना शुरू हुई थी बुखार वग़ैरह तो था सुबह लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया फिर तबीयत इतनी डाउन होना शुरू होगी कि चक्कर आने लग गए टांगों में दर्द और ना पूरी बॉडी में बड़ी पेन हो रही थी उसके बाद जैसे ही मैंने इफ्तार शुरू की है खाना मैं खा रही हूँ तब तो तक मैं इतनी डाउन हो गई थी कि मेरी टागें काँप रही थी मैं ऊपर से खाना खा रही थी और डीचे से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टाँगें मुसलसल काँप रही है शायद शुगर लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो गया था और क्योंकि बुखार की वजह से ऑफकोर्स वीकनेस हो जाती है तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी बड़ी मुश्किल से इफ्तार की मैंने जैसे आखिरी नवाला मैंने मुंह में डाला है मैं फ़ौरन रूम में आके बेड पे गिर गई और मैं मुझे कोई होश नहीं रहा मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या हुआ लेट गई सो गई उसके बाद फिर हस्बैंड ने जब देखा कि मैंने थोड़ी नींद अपनी पूरी कर ली है तो उन्होंने ही बच्चों को देखा और उन्होंने फिर मुझे बड़ी मतलब मेडिसन दी काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन की एंटीबायोटिक और बुखार की काफ़ी ज़्यादा मैंने मेडिसन ली अब कुछ बेहतर हूँ लेकिन नज़ला है गला बहुत दर्द है बॉडी में पेन है बुखार है तो यही सब कुछ चल रहा है हस्बैंड भी इसी तरह उनकी भी सेम कंडीशन है इज़ा की भी सेम कंडीशन है जाव्यार ने दो दिन मेडिसिन ले ली है दैट्स वाई वो थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं और बाकी है कि जैन फ़ातमा अल्लाह का शुक्र है अभी तक अलहमद वो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई लेकिन पूरे घर में ये चीज़ फैली हुई है तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ना करे उनको भी हो सकता है लेकिन वो दोनों अके खेल, अकेले खेलती रहती है या टी देखती रहती है तो हम लोगों के साथ लाइक इतना नहीं वो अभी बड़ी हो गई ना तो इतना ये नहीं कि लेट जाए हमारे साथ या हम उनको बहुत ज़्यादा हग्स करें या किसेस करें ये दो, दो दो छोटे बच्चे हैं ना इनके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो इस वजह से मेरा ख़्याल है या तो उनसे हमें ट्रांसफ़र हुआ है या हमसे उनको ट्रांसफ़र हुआ आई डोंट नो तो खैर कल मैंने वीडियो तो बनाई थी जो भी मैंने सारा दिन इफ्तार किया सैरी जो भी मैंने बनाई थी लाइक इफ्तारी में क्या बनाया था सारी कुकिंग वगैरह घर के क्या काम किए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो इन शाला आगे आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पर तकरीबन बज रहे हैं दो और मैंने अपनी एक्टिविटीज़ की लाइक सुबह बच्चों को स्कूल भेजा उसके बाद मैं फिर आज मैंने सोचा था मैं अपने ड्रॉर्स वगैरह साफ़ करूँगी मैंने वो किए अभी घर के अल्लाह का शुक्र है सारी क्लीनिंग वगैरह तो हो गई है ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं ये मैंने स्टिच करने हैं कुछ कपड़े तो ये वहाँ पर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये मेरा सूट है इसको श्रिंक करूँगी और इसके अंदर भी ना ज़ैन फ़ातमा के मैं चिकन के शर्ट्स लेके आई हूँ ज़ैनफ़ातमा ईज़ा की विद वाइट शलवार तो वो तला स्टिच करके आपके साथ शेयर करूंगी ये पिछले साल का पड़ा हुआ है मेरे पास कपड़ा मैं ले आई थी पर सी नहीं पाई थी इस साल इसको भी सीऊँगी तो यहाँ पर वो सारी मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं अभी मैंने निकाल के रखी हैं कि अब इन शी आता आहिस्ता आहिस्ता स्टिचिंग की तरफ भी आओ और यहाँ पर जो है मेरे ड्रेसेस ड्रेस एक पड़ा हुआ है ये मैंने कल लाइक परसों चो दिया था सिलने के लिए ये सिलकर आ गया है आ, मेरी खाला ने मुझे दिया था जाविया के होने पर तो ये वाला वो ड्रेस है और ये मामा वाला ड्रेस है तो मामा वाला ख़ुद सीऊँगी और जो खाला वाला है वो मैंने टेलर से सिलवा लिया था और ये जी जैनब का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है बच्चे स्कूल से आके तो यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है जैनब अच्छी बच्ची है माशाल्लाह अपना यूनिफॉर्म ऐसे गंदा नहीं करती दो दिन चल जाता खैर नमाज़ मैंने पढ़ ली थी जोहर की और अब मैं उठ गई थी एक्टिव हो गई थी कि अब भाई बच्चे भी आ गए हैं इनको कुरान क्लास भी दिलवानी है इसके अलावा फिर जो रूटीन होगी खाना शाना भी बनाना है नमाज़ पढ़नी है तो वो सारा कुछ फिर दो बजे के बाद एक बजे के बाद ना मैं सारी एक्टिव हो जाती हूँ तो उससे पहले ये कि मैं बच्चों को भेज के थोड़ा रेस्ट ही करती हूँ ज़्यादातर तो यहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी आपको यहाँ पे हम ना जावियार को छोड़ देते हैं और जावियार यहाँ पे माशाल्लाह खेलते रहते हैं इनका आधा पौना घंटा तो गुज़र ही जाता है एक वगैरह के साथ ना तो माशाल्लाह अब थोड़ा बहुत वो मूव करता रहता है क्रॉल करने की कोशिश करता है खैर किचन की कुछ ये सिचुएशन है, है किचन नीट है किचन भी क्योंकि साफ़ हो गया था बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे ये बच्चे अभी स्कूल से आए ना तो उन्होंने कुछ चीज़ें निकाली हैं तो वो प्रॉपर प्लेस पे रखूँगी और बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है और अब आऊँगी सोचूँगी अभी तक कुछ प्लान नहीं किया कि आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना तो खैर जैसे कोई आइडिया आएगा तो फिर बनाना शुरू कर दूँगी चीज़ें तो माशाला फ्रिज में पड़ी हुई हैं वैसे मैंने ये बूंदी निकाल के रखी थी आज मैं सोची थी कि दही बड़े बनाऊँ ये बूंदी वाले जो होते हैं ना लाइक इसमें भले नहीं होंगे लेकिन इसमें ये वो बाकी दही भले टाइप होंगे भलियाँ ठीक है तो वो बनाने का सोचा है साथ में सोच रही थी पकोड़े बना लूँ सालन का भी नहीं सोचा था लेकिन फिर बाद में ना मूड अचानक ही बन गया कि आज ना मैं बनाती हूँ जलफ्रेजी मतलब घर वाली जलफ्रेजी प्रॉपर जलफ्रेजी नहीं उसकी इन आपको किसी दिन दूंगी रेसिपी तो खैर बच्चे आ गए थे ना तो उनके लंच बॉक्सेस वगैरह मैंने निकाल के बैग से उनके रख दिए थे ताकि ये भी वॉश हो जाएं आज जो है ना मैंने मॉर्निंग में क्या काम किया था आ, मैं सोई नहीं थी बच्चों को भेज कर तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे ड्रार्स थोड़े से गंदे हो रहे हैं इनको साफ़ किया और साथ में मैंने ना इनको ऑर्गेनाइज़ किया लाइक कैचर्स वगैरह कुछ नए ले आई थी कुछ पुराने ख़राब चीज़ें मैंने फेंकी और बच्चों की कुछ एक्सेसरीज़ मैंने फेंकी ये चीज़ ये आ, मैंने सेट किया बच्चों ने मेरा मेकअप इधर उधर किया हुआ था ये मैं लेके आई थी ब्यूटी ब्लैंडर उधर से चेजव गई थी चेजव से काफ़ी एक्सेसरीज लेके आई हूँ कैचर्स पोनिया ऐसी चीज़ें तो ये सब उधर से लेके आई थी मेरे ये स्पॉन्जेस भी ख़राब हुए हुए थे जो फेशियल में काम आते हैं तो इस तरह सारे मैंने ये ड्रॉर्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए सेट करके रखे ये मेरा हेयर स्टाइलर है लाइक ड्रायर ड्रायर के तौर पर मैं इसको यूज़ करती हूँ ऐसे जितना एफिशेंट नहीं है कि रोल वगैरह करे वालों को ऑयल करे सॉरी लेकिन ये कि काम आ जाता है फिर भी और ये वाला मैंने ड्रॉर साफ़ किया तो इस तरह छोटे छोटे आज ना मैंने कितने काम किए अपने बच्चों के रूम के भी ड्रॉट सेट किए वहाँ जो कंसोल पड़ा होता है वहाँ उसको भी साफ़ किया क्योंकि अक्सर ज़ैन फ ना वहाँ पर अपनी चीज़ें रख देती है कोई कलरिंग कटनी है कोई पेजेस वगैरह काट कूट के वहाँ पे रख देती है तो वो भी गंदा हो जाता है खैर अभी मैं बैठ गई थी यहाँ पर आके और जावयार को देख रही थी जाव्यार की ना तबीयत अब बेहतर है दो दिन हो गए दवाई खा रही लेकिन मुकम्मल तौर तो पे ठीक नहीं हुई डॉक्टर ने कहा है कि फाइव डेज़ आपने इनको मेडिसिन देनी है तो इन शाला तला मजीद एक दिन में ये एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे अच्छा जी तो ये बैग जो है मैंने सुबह वॉश कर दिया था अचानक मुझे आइडिया आया कि इस बैग के पीछे ना ट्रॉली लगने की जगह है लाइक ये पॉकेट बनी होती है ट्रॉली के लिए और नीचे क्लिप्स लगे होते हैं इस तरह के ठीक है तो इसमें ट्रॉली जो है ना वो अटैच हो जाती है अभी मैं देखती हूँ उसको अटैच करके तो मसला ये है कि जैनब की अब बुक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं हम उसको कम बुक्स दे के तो सारी बात है वो फिर काम टीचर ने करवाना होता है तो फिर बुक्स भी ज़रूरी हैं बैग में डालना लेकिन जैनब के लिए कैरी करना इतनी ज़्यादा बुक्स बहुत मुश्किल हैं बहुत छोटी है और उसे बैग उठाया नहीं जाता अभी तक तो मैं उसको नोट नहीं भेज रही थी डाल के उसके बैग में टीचर ने भी कहा था नोट अभी आप ना भेजें लेकिन हर तकरीबन सब्जेक्ट का डेली हुआ करेगा पीरियड तो बड़ा मुश्किल हो जाया करेगा सारी चीज़ें लेके जाना तो बस आइडिया एक अचानक आया कि फ़ातमा के बैग के पीछे ट्रॉली लगाने का सिस्टम है तो हम क्या करते हैं मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम ऐसा करते हैं मैंने देखा है कि बैग शॉप पर ना ट्रॉलीज़ मिल जाती हैं तो वो फिर लेके आए हैं आज ये ट्रॉली ये सदर से हमने ली है ठीक है वहाँ पे बैग्स की काफ़ी शॉप है तीन चार इकट्ठी लाइन में बनी हुई हैं तो लास्ट कोई मेरा ख्याल है कि दो तीन साल पहले मैं अचानक वहाँ पर ऐसे ही कोई बैग वग़ैरह ही हम देखने गए थे जैनब के लिए तो तब मुझे वहाँ से पता चला था कि ट्रॉली अलग से मिल जाती हैं तो फिर मैंने अभी इनको भेजा है और ट्रॉली ले आए हैं बहुत अच्छी ट्रॉली मिली है आ, ये देखें इसकी एडजस्ट हो सकती है हाइट इस तरह और बड़ा स्मूथ है क्वालिटी बहुत अच्छी बनी हुई है और इस तरह के इसके ये व्हील्स बने हुए हैं और यहाँ से ये इस तरह हो जाया करेगा ठीक है लाइक ज़मीन पर अगर रखना हो तो स्टेबल रहेगा तो यहाँ पर क्लिप लगेंगे जो नीचे लगे हुए हैं और पीछे से पॉकेट से ऐसे ये लाइक इसको अंदर डाल देंगे तो फिर ये कि बैग जो इसके अंदर बड़ा अच्छा फिट हो जाया करेगा अब फातमा का बैग हम जैनब को दे देंगे और मतलब दोनों बहनों ने बैग्स जो हैं ना वो स्विच कर लिए हैं सिर्फ ट्रॉली की वजह से तो दोनों के बैग की कंडीशन बहुत अच्छी है नए हैं ऑलमोस्ट दोनों तो ये भी वॉश करने के बाद अब बिल्कुल अच्छा हो गया अब ट्रॉली की वजह से ना ये बिल्कुल सेट हो जाएगा अब आप जाए आपकी जितनी मर्जी बुक्स हो तो आ, बड़ी अच्छी वो लेके जा सकती है तो देखें कभी कभी ऐसा इंसान को ना चीज़ें भी करनी पड़ जाती हैं अभी ये है कि वैसे ट्रॉली वाले जो बैग थे मैंने नए पता किए थे कोई छः इधर बहरिया में तो सेवन सेवन थाउजेंड के मिल रहे थे सेवन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड सिक्सटी फाइव हंड्रेड ज़्यादातर सेवन थाउजेंड में मिल रहे थे तो मैं नया बैग बिल्कुल भी लेना नहीं चाह रही थी और अब हमें ये जो ट्रॉली है ना ये दो हज़ार रुपये में मिली है अभी आ, मुझे लगता है कि मैं शायद बारगेन करके कम कर ली थी लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि वो मान ही नहीं रहे थे फिक्स प्राइस थी और एक सादी वाली भी होती है जिसके आम दो बड़े बस व्हील्स होते हैं तो ढूंढने पे शायद वो ट्रॉली भी मिल जाती और वो शायद कम में मिल जाती बाकी ये कि बारगेन करने पे है जितना आप कर सकते हैं तो शायद वो फिर कर भी दें तो मैं उनसे तब से कहती जा रही हूँ कि अगर मैं जाती तो मैं सस्ते में लेके आती खैर तो ये हमें मिला है अब ये है कि हमें दो हज़ार रुपये में समझ लें ट्रॉली वाला बैग मिल गया है क्योंकि पुराना बैग है इसको मैंने वॉश कर लिया है और वैसे बैग फातमा का ये वाला भी थ्री थाउजेंड में हमें मिला था और जैनब का मेरा ख्याल है ट्वेंटी एट हंड्रेड का हम लोगों ने लिया था तो बैग्स की अब प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और अगर आपने थोड़ा डिसेंट सा अच्छा सा लेना होता है तो फिर ऑफकोर्स फिर इतने में ही मिलता तो अब ये है कि इतने में समझ लें थर्टी सॉरी uh, ये थ्री का था थ्री में हमें uh, ये बैग है और अब ये टू थाउजेंड की ट्रॉली है नया बैग नहीं लिया और इतने में पड़ रहा है अदरवाइज़ अगर हम ट्रॉली नहीं लेते तो फिर ऑफकोर्स हमें पाँच हज़ार फिफ्टी फाइव हंड्रेड का हस्बैंड कह रहे थे कि सदर में बैग्स मिल रहे हैं ट्रॉली वाले तो ऑफ़कोर्स हमें उतने का लेना पड़ता तो अभी ये है कि पुराना बैग यूटिलाइज हो गया है ट्रॉली नहीं है तो अब मैं इसको फ़िक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ अब ये देखें ये इसमें फिक्स हो गया है आ, देखें दो क्लिप्स इसके साइड पर लगे होते हैं ठीक है तो ये इसके अंदर अटैच हो गए हैं बड़ा इजीली एक मिनट भी नहीं लगा और ऊपर से ये जो है ना ये इस तरह इसके अंदर चला जाता है सिंपल पॉकेट सी बनी होती है तो ये इसके अंदर चला जाता है और अब बिल्कुल अच्छा सा हो गया इसका ये वाला बैग आप आसानी से जैनब इसको कैरी कर सकती है और जितनी मर्ज़ी इसकी हाइट कर लें काफ़ी लंबी इसकी हाइट बन जाती है तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हो गया अब इसका काम तो ये हो गया जी जैनब का अब न्यू बैग अगर आपके बच्चों के भी बैग्स हैवी हैं ना तो आप भी इस तरह कर सकते हैं और आप दराज से भी ट्रॉली जो है ना वो सर्च करके मंगवा सकते हैं क्या पता दराज पे सस्ती मिले तो बाकी ये है कि मुझे ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगी खैर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में किचन में आज मैंने बनाना था जलफ्रेजी टाइप बनाना था मैंने आलू चिकन शिमला मिर्च का बेसिकली सालन बनाना लेकिन उसको थोड़ा सा टच जलफ्रेजी वाला दे देंगे उसमें एंड पे हम लोग अंडे डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा कटी हुई प्याज हम आ, मोटी मोटी काट के डाल देंगे अच्छी लगेगी तो यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन किया उसमें चिकन डाला और फिर मैंने उसमें नमक डाल के अच्छे से फ्राई किया उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और टमाटर का पेस्ट डाल के उसको रख दिया था ठीक है तो यहाँ पर साइड पे मैं अब तैयारी कर रही थी पकोड़ों की पकोड़े ना बड़े मजे के इस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं मैं क्या करती हूँ लंबा लंबा प्याज काटती हूँ और मुझे ना इस तरह बड़ा अच्छा लगता है लंबी लंबी चीज़ें काटना तो उससे ये कि पकोड़े जो है ना बड़े प्यारे से बनते हैं बिल्कुल बाजार वाली लुक आती है तो यहाँ पर लंबा लंबा आपने प्याज काटना है जो बड़े साइज़ का हो और जो आलू है ना वो भी आपने इस तरह लंबे लंबे काटने एक आलू के मैंने बरी बरी कतले काट लिए हैं उसके बाद हम इसको वर्टिकली लंबा लंबा इस तरह काटेंगे बारीक बारीक ज़्यादा मोटा मोटा ना कीजिएगा तो दोनों चीज़ें फिर ये कि जल्दी पक भी जाएगी और बड़ी अच्छी क्रिस्पी सी क्रंची सी बनेगी तो यहाँ पर इस तरह हमने काटने सारे आलू को काट लूँगी और उसके बाद मैं हरी मिर्च इसके अंदर शामिल करूँगी तो यहाँ पर मैंने प्याज काट लिए हैं आलू काट लिए हैं दो मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और अब इनकी हम करते हैं मिक्सिंग पकौड़े तो, तो हर कोई बना ही लेता अपने घर में लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँ तो यहाँ पर मैंने वो पालक ली है जो मैंने फ्रीज करके रखी थी और आपने देखा होगा कि इसका कलर भी बिल्कुल ठीक है टेक्स्चर भी बिल्कुल ठीक है बड़ी अच्छी रहती है ये पालक ना फ्रीज़ अगर कर लें तो और यहाँ पर अब हम सब चीज़ें मिक्स करेंगे सबसे पहले मैंने इसमें बेसन डाला है अच्छा बेसन का अंदाज़ा ना आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास इतनी क्वांटिटी चीज़ों की है तो बेसन इतना डलेगा हमेशा बेसन तभी पता चलता है जब आपने उसको मिक्स करना होता है ना फिर पता चलता है बेसन कम है कि ज़्यादा तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है तकरीबन वन टीस्पून हाफ स्पून हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक डाला था आ, हाफ टी स्पून से थोड़ी कम मैंने हल्दी डाली थी अच्छा धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में साबुत धनिया और थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाला था और ज़ीरा बस मैं अजवाइन और अक्सर लोग इसमें डालते हैं अनारदाना मैं नहीं डालती अजवाइन भी नहीं मैं डालती लेकिन फिर भी बहुत मज़े के बनते हैं खैर इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे पानी हम बिल्कुल अफ्तारी के से पहले थोड़ी देर पहले देखेंगे अगर नीड हुई तो हम डालेंगे अदरवाइज़ नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती हैं यहाँ पर जी चिकन जो है ना हमारा आलमोस्ट हाफ़ डन के करीब हो गया था अब देखें इसका कलर कितना प्यारा टमाटर डालने से हो जाता है और लगता ही नहीं है कि इसमें हमने मिर्चें ऐड की हैं या नहीं की खैर इसमें मिर्चें हम ऐड करेंगे तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मिर्चें नहीं क्योंकि मैं सालन थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ चार पांच लोगों की सर्विंग होगी ये और एक बॉल बन जाएगा उसमें मैंने डाली है हल्दी सुरख मिर्च और थोड़ी सी दड़ा मिर्च और बस और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की गरम मसाला भी नहीं मैंने ऐड करना यहाँ पर मैंने इसमें आलू डाल दिया ताकि आलू का भी कुकिंग प्रोसीजर जो है शुरू हो जाए चिकन जो है हाफ डन है तो आलू भी साथ साथ फिर गलना शुरू हो जाएंगे जब आप देखें कि आलू तकरीबन एटी कुक हो चुके हैं आलमोस्ट एटी टू नाइन्टी परसेंट फिर हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज इस तरह के क्यूब्स में कटे हुए देखें आप जब भी कोई चीज़ बनाए ना ये ख्याल कर लिया करें कि एक ही जैसी कटिंग होनी चाहिए सारी सब्जियों की और चिकन की मैंने सब चीज़ें इसमें क्यूब्स में काटी हैं बस हम इसको चार से पाँच मिनट के लिए दम पर पकाएँगे दूसरी साइड में मैंने ले लिया है दही क्योंकि मुझे बनाने हैं दही बड़े तो यहाँ पर मैंने दही लिया है उसमें थोड़ा सा मैंने डाली है क्रीम इससे ना बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है आपके दही भलों का और बड़ा ही अच्छा आता है पानी आपने ऐड नहीं करना दही में आपने दूध और क्रीम ही ऐड करनी है ऑप्शनल है दूध या तो क्रीम ऐड कर दें या दूध ऐड कर दें दोनों में से कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा हाथ से मसल के डालूंगी इसका फ्लेवर और अरोमा ही और होता है हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है अच्छे से मिक्स करेंगे याद रहे कि इसमें कोई क्लॉट्स नहीं होने चाहिए लाइक कोई लम्स नहीं होने चाहिए बड़े अच्छे से स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए फिर मैंने इसमें शामिल किया ये थोड़ी सी मैंने बूंदी ली है एक मैंने आलू ले लिया था थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना जो मैंने फ्रीज करके रखा था ऐसे ही मैं पत्ते यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने एक हरी मिर्च ली है और आधा सा टमाटर लिया है मैंने क्योंकि मुझे बहुत पसंद है टमाटर तो मैंने अपने लिए डाला है वैसे ना भी डालें तो दही मलों में चल जाता है लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ और मैंने आ, एक प्याज लिया है छोटे साइज़ की बस बस बारीक बारीक इन सब चीज़ों को आपने काट कर आपने इसके अंदर डाल देना है और आलू जो है ना मैं क्यूब्स में काट कर फिर बॉईल करती हूँ बड़े जल्दी बॉईल हो जाते हैं बस इस सब चीज़ों को मिक्स करें और आप यकीन करें कि आप इस तरह भी दही पहले खाएंगे ना इतने रिफ़्रेशिंग लगेंगे आपको क्योंकि समटाइम्स आप बहुत मसाले डाल देते हैं मैं आपको पता है मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती लेकिन फिर भी चीज़ बहुत प्रीमियम क्वालिटी की बनती है बड़ी अच्छी बनती है खैर अब मैं इसको बॉल में डिश आउट करूँगी और थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला और जो हमारी होगी जो चटनी मैंने बनाई है इमली की अब मैं उसके यूजेज भी आपको साथ साथ बता रही हूँ हमारे फ्रूट चाट में भी वो डाल जाती है दही भलों में भी डाल जाती है और हमारे चरा चाट में भी वो डाल जाती है तो तीन चार चीज़ों में हमारी डल जाती है सो वो सब पकौड़ों के साथ तो ऑफ कोर्स वो अच्छी लगती ही लगती है ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे डेकोरेटिव स्टाइल में उसको रखिएगा ताकि वो प्रेजेंटेशन भी प्यारी लगे ऊपर से आपने ऊंचा सा करके छिड़कना है एक ही जगह नहीं छिड़क देना चाट मसाला तो हम थोड़ा सा ऊपर करके पूरे में स्प्रेड कर देंगे और हमारा देख भले रेडी हो गया साथ में अब मैं करने लगी थी यहाँ पर पकौड़े फ्राई अब देखें पकौड़े मुझे लग रहे थे थोड़े ड्राइनेस है अभी इसमें ना तो लाइक अब पानी की ज़रूरत है तो मैंने तीन से चार चम्मच ही मुश्किल से पानी डाला होगा और अब मुझे मिक्स करके लग रहा था थोड़ा सा बेसन और हो होना चाहिए ताकि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए ये ना हो ये खुल जाए तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद और इसमें ऐड कर दिया है बेसन और थोड़ा सा पानी ठीक है अब मैं इसको मिक्स करूँगी स्मूथ साइज़ का टेक्सचर बन गया है और इस तरह से ये दिख रहे हैं देखें और लंबे लंबे ये होंगे ना जब फ्राई करूँगी बहुत अच्छे लगेंगे तो बस अब मीन को फ्राई करूँगी अच्छा यहाँ पे मेरे साथ एक मिस्टेक हुई आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना अगर किसी को पता हो इस पैन में ना मैंने उस दिन किए थे जो चिकन बर्गर्स बनाए थे ना उनकी पैटिस ठीक है उनकी सॉरी वो फिले ठीक है जिसके अंदर मेरा ख़्याल है मैदा लगा हुआ था और बाकी ये था कि जो चिकन था वो कच्चा था उसके बाद मैंने इसी ऑयल में किए हैं लास्ट टाइम पकोड़े और सॉरी रोल्स एंड समोसे तो उनमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हाँ रोल्स में डला हुआ था सिरका अदरवाइज़ और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उसके बाद ये तीसरी दफ़ा मैं अब इसमें पकोड़े का रही थी तो बबल्स बहुत बन रहे थे आपने मुझे बताना है कि मैं इसका क्या करूँ क्योंकि अभी ऑयल मैंने फ़्रेश ही डाला है खैर ये है जी हमारी जल फ्रेज़ी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वो अंडे डाल दिए ताकि ज़रा प्यारे लगे और इसमें खाने में भी मज़े के लगते हैं ये है जी दही भड़े और आप यकीन करें बहुत मज़े के बने थे इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज तक आपने जो भी मेरी रेसिपीज ट्राई की है ना आपने अच्छा ही फीडबैक दिया है तो ये दो चीज़ें भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे स्टाइल से पकौड़े भी ट्राई कीजिएगा तो ये आज की हमारी इफ़ार की टेबल सिंपल लेकिन मज़े की और बीच में ना कोई एक आज चीज़ में हेल्दी भी ऐड कर, कर कर रही हूँ डेली बेसिस पे जैसे फ्रूट चाट होगी चना चाट होगी दही भल्ले हो, भले हो रम, रोजे के बाद ना इस कि की हेल्दी चीज़ें खाने से ये है कि इंसान इतना फील भरा, भरा भरा भी नहीं रहता और और ये चीज़ें हेल्दी भी होती हैं बाकी ये कि एक मैं कोई फ्राइड आइटम कर लेती हूँ और सालन तो बन जाता है कभी बन जाता है कभी नहीं बनता लेकिन जब जब बनता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये सैरी में भी यूज़ हो सकता है और ये कि बच्चे भी मेरे शौक़ से खा लेते हैं खा लेते हैं सो दिस इज़ इट आई होप आज का अब भी आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़